ये कहानी एक कैनिवल औरत की है जिसके पास असीम ताकत थी। उसकी ताकत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, किसी का भी कलेजा मुंह में आ जाए। इस कहानी में वो सब चीजें हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है ऑफिसर चेरी से, जिसकी 10 साल की बेटी पिछले कई सालों से लापता थी। उसने अपनी बेटी को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद चेरी उन लोगों के पीछे पड़ गया था जो लड़कियों को अगवा कर उन्हें बेचते थे। आज वो एक बंद पड़ी फैक्ट्री के बाहर खड़ा था, तभी वहाँ से एक आदमी टॉम गुजरता है। दरअसल चेरी उस पर कई दिनों से नजर रख रहा था। दूसरी तरफ जॉन कहता है, लेसी, ओए लेसी, अंगूठियों वाला आदमी टॉम आ गया है। इतना सुनकर लेसी जल्दी जल्दी उठकर खड़ी हो जाती है। ये है लेसी, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों से ही उसकी ताकत का पता चलता था। वो चेरी के सामने से जाकर उसी दरवाजे को तोड़ती है जिसके अंदर टॉम गया था। लेसी की ताकत देखकर चेरी भी हैरान था, और तभी लेसी अंदर चली जाती है। अंदर एक आदमी अपनी गन से कुत्ते को मारने वाला था, वहीं एक और आदमी आराम से खड़ा उसे देख रहा था। तभी वहां लेसी आकर कुत्ते को बचाती है। गोली लेसी के माथे पर चलती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वो आदमी की आंखें निकाल कर उसे मार देती है। दूसरा आदमी तो लेसी की ताकत देखकर ही डरकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी ही देर बाद लेसी बाहर आती है, जिसके माथे पर गोली लगी देखकर चेरी भी बहुत हैरान था। अब लेसी बैठकर उसी आदमी की उंगलियां खाने लगती है जिसे उसने अभी अभी मारा था। उसी पल लेसी को कोई दिखता है, जिसके बाद वो उठकर चली जाती है। कुछ देर बाद ये है टॉम और उसकी बहन रीटा। दोनों भाई बहन मिलकर लड़कियों को अगवा कर उन्हें बेचने का काम करते थे। ऑफिसर चेरी इनके ही पीछे लगा हुआ था। दूसरी तरफ लेसी फिर से सड़क किनारे जाकर सो जाती है, क्योंकि उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। अगले दिन सुबह चेरी लेसी के पास आकर कहता है, तुम्हारे माथे का जख्म ठीक भी हो गया, कमाल है, तुम्हारे जख्म जल्दी भर जाते हैं, मैं बैठकर तुमसे बात करना चाहता हूँ। फिर वो एक कैफे में बैठकर पूछता है, तुम अब बिल्कुल ठीक नजर आ रही हो, कौन हो तुम? लेसी कहती है, मैंने ही कल कत्ल किया था क्योंकि मैं उसे खाना चाहती थी। ये सुनकर चेरी बहुत हैरान होता है। फिर लेसी कहती है, मैं टॉम को मारना चाहती हूँ, वो औरतों को वैन में अगवा करता है। ये सुनकर चेरी उसे अपने पुराने घर में लाकर कहता है, हमारा दुश्मन एक ही है लेसी, जिसका नाम टॉम है। तुम इस घर में रह सकती हो ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। फिर वो उसे एक फाइल देता है जिसके अंदर पॉल के बारे में था। दरअसल चेरी चाहता था कि लेसी जाकर पॉल को भी मार डाले, क्योंकि वो उसका खास आदमी था। अब लेसी एक बिल्डिंग के अंदर थी, और तभी एक आदमी दरवाजा खोलकर पूछता है, क्या चाहिए? तभी लेसी दरवाजा तोड़कर अंदर आती है और एक ही झटके में पॉल को मार डालती है। अब उसके सामने एक लड़की थी, और उसी पल दूसरा आदमी उस पर कई वार करता है, लेकिन लेसी पर जरा सा भी असर नहीं होता और वो उसे भी मार देती है। वो लड़की की मदद करना चाहती थी, लेकिन लड़की उसे देखकर काफी डर गई थी। इसके बाद वो चेरी को फोन कर कहती है, मैंने पॉल को मार दिया, उसने अभी भी एक लड़की को कैद कर रखा था जिसे मैंने वहीं छोड़ दिया। ये सुनकर चेरी कहता है, तुम्हें उसे आजाद कर देना चाहिए था लेसी, या फिर उसे दूर जाने को कहना चाहिए था। इतना सुनकर लेसी फिर से बिल्डिंग की तरफ बढ़ती है। अंदर लड़की जिसका नाम एमा था, वो आजाद होने की कोशिश कर रही थी। तभी वहाँ लेसी आती है और एक ही पल में लड़की को आजाद कर देती है। फिर वो चुपचाप वहाँ से आकर चेरी से बात करती है। अब लेसी एमा से कहती है, तुम आज के बारे में सब भूल जाना, या फिर ऑफिसर चेरी से बात कर लेना। इतना कहकर लेसी उसे अकेला छोड़कर आगे बढ़ती है। दूसरी तरफ चेरी भी उसी बिल्डिंग में था जहाँ लेसी ने पॉल को मारा था। लेसी पॉल के सभी अंदरूनी अंग निकाल कर ले गई थी। अचानक वहाँ टॉम अपने खास आदमी पॉल से मिलने आता है, और चेरी को वहाँ देखकर उसे पकड़ लेता है।
उधर लैसी चेरी के पुराने घर में आकर पॉल के अंदरूनी हिस्से फ्रिज में रख रही थी। एमा भी उसके पीछे पीछे यहाँ तक पहुँच गई थी और वो उसे बताती है, पॉल मुझे बेचना चाहता था लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। कुछ देर बाद टॉम चेरी को लैसी की तस्वीर दिखाकर पूछता है, मुझे इसके बारे में बताओ, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि पुलिस वाले मेरे बारे में जाने। अगले दिन सुबह लैसी जैसे ही बाहर निकलती है तभी टॉम कहता है, देखो लैसी मैं खुद ही आ गया, तुम्हारे दोस्त चेरी को तुम पर काफी यकीन है कि मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, उसने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है लैसी। इतना कहकर वो अपना हथियार उठाकर लैसी पर जोरदार वार करता है। एमा उसे बचाना चाहती थी लेकिन वो बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसी पर टॉम लैसी के सिर पर जोरदार वार कर उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद लैसी को होश आ चुका था जिसे जंजीरों से बांधा हुआ था। तभी रीटा आकर टॉम से पूछती है, इसके लिए इतनी तैयारी? टॉम बताता है, ये देखने में ही आम लड़की है रीटा, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। लैसी को ध्यान से देखने के बाद रीटा कहती है, इसे तुम ही जानो भाई, मैं तो चली पार्टी में जहाँ हमारे मेहमान आने वाले हैं। रीटा के जाने के बाद टॉम लैसी से कहता है, आज मैं देखूंगा कि तुम्हें दर्द क्यों नहीं होता, क्योंकि चेरी तुम्हारी काफी तारीफ कर रहा था। इतना कहकर वो लैसी को टॉर्चर करने लगता है। लैसी दर्द से तड़प रही थी लेकिन उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। उधर लैसी को ढूंढते ढूंढते एमा जॉन के पास पहुंच जाती है। जॉन कहता है, मैंने आज देखा कि टॉम लैसी को पकड़कर इसी बिल्डिंग में लाया था, लेकिन तुम चिंता मत करो एमा, वो जल्द ही वापिस आ जाएगी। इतना सुनकर एमा बिल्डिंग की तरफ बढ़ती है। दूसरी तरफ बिल्डिंग में रीटा पार्टी कर रही थी। यहाँ वो सभी लोग थे जो लड़कियों पर बोली लगाकर उन्हें खरीदते थे। इसी बिल्डिंग में एमा ने जल्द ही लैसी को ढूंढ लिया था जिसे टॉम अभी भी टॉर्चर कर रहा था। फिर वो ऑफिसर चेरी को ढूंढकर कहती है, शुक्र है चेरी कि तुम भी यहीं हो, मैंने तुम्हारी तस्वीर फाइल में देखी थी, चलो अब हमें लैसी की मदद करनी है। उधर लैसी को टॉर्चर कर टॉम कहता है, डैन देखो ये कितनी खूबसूरत लग रही है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये अभी तक जिंदा है। तभी एमा लैसी का नाम लेकर वहाँ से भागती है जिसके पीछे अब टॉम लग चुका था। लेकिन ये तो एमा और चेरी की चाल थी और वो जल्द ही टॉम को पकड़ भी लेते हैं। अंदर डैन के सामने लैसी थी जो अब बहुत गुस्से में आ चुकी थी। वो अपने कंधों को तोड़कर आजाद होने की पूरी कोशिश कर रही थी और जल्द ही इसमें सफल भी हो जाती है। उधर पार्टी में रीटा खड़ी किसी से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ एक कटा हुआ सिर गिरता है। लैसी ने टॉम का सिर उखाड़ दिया था। वो अब बहुत गुस्से में थी, जो भी उसके रास्ते में आता या फिर उसे रोकने की कोशिश करता वो उसे बेरहमी से मार रही थी। रीटा को भागते देखकर लैसी उसके पीछे पीछे छत पर पहुंच जाती है। फिर वो उसे पकड़कर छत से नीचे फेंकती है जिसके बाद रीटा भी मर गई थी। लैसी, जी हाँ यही नाम था उसका। कौन है, कहाँ से आई है, कोई नहीं जानता था। दरअसल उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कौन है। उसे तो सिर्फ इतना पता था कि वो मर नहीं सकती। उसे तो सिर्फ इतना पता था कि उसके जख्म जल्दी भर जाते हैं। वैसे लैसी का मानना था कि शायद कोई फरिश्ता उसकी मदद कर रहा है। कहानी के अंत में लैसी फिर से पुरानी जगह लौट आती है। वो फिर से जुर्म के खिलाफ लड़ने का फैसला करती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Thank you.